चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। आखिरकार जिस फिल्म का ट्रेलर का इंतजार भोजपुरी दर्शक काफी लंबे समय से कर रहे थे, फाइनली वह ट्रेलर रिलीज कर दिया गया। जी हां, हम बात करें भोजपुरी फिल्मों के जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ की मोस्ट अवेटेड भोजपुरी फिल्म शेर हिंदुस्तान के ट्रेलर के बारे में। दरअसल आपको बता दें कि फिल्म का ट्रेलर जारी कर दिया गया है, जिसे भोजपुरी दर्शक काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। आपको बता दें कि ट्रेलर की शुरुआत निरहुआ के दमदार डायलॉग और हेलीकॉप्टर एक्शन स्टंट से शुरू होती है, जो दर्शकों को ट्रेलर में काफी ज्यादा रोमांचित करता है। उसके बाद निरहुआ की फाइट्स और दमदार डायलॉग ट्रेलर में दिखाया गया है। तो वहीं विलन के अवतार में नजर आने वाले सुनील थापा का दमदार डायलॉग ब्लास्ट फाइट्स ट्रेलर में जगह दिया गया है। तो वहीं निरहुआ और आयुष रिजाल का जोरदार गाना भी ट्रेलर में दिखाया गया है, जो दर्शकों को काफी ज्यादा आनंदित करता है। खास करके शेरे हिंदुस्तान में ज्यादा ट्रेलर में निरहुआ का दमदार एक्शन सीन ही दिखाया गया है, जो एक से एक बढ़कर दिखाया गया है। कुल मिला के कहा जाए तो एक्शन पैक मूवी है, ट्रेलर से देखने से साफ पता चलती है। तो वहीं देशभक्ति के दमदार डायलॉग भी इसमें खूब डाले गए हैं, जो दर्शकों को काफी ज्यादा आनंदित करेगा। नेपाल के खूबसूरत वादियों में इस फिल्म को फिल्माया गया है, जो ट्रेलर में साफ साफ झलक रहा है। तो वहीं हेलीकॉप्टर के खतरनाक एक्शन स्टंट भी दिखाए गए हैं। फिल्म में निरहुआ के साथ आयुष रिजाल, नीता, सुनील थापा, संतोष पहलवान जैसे कलाकारों को दिखाया गया है, जो दर्शकों को काफी ज्यादा आनंदित करेगा। आपको बता दें कि फिल्म के डायरेक्टर और राइट स्टोरी मनोज नारायण का है, यानी कि ट्रेलर फुल ऑन धांसू है। अगर आप लोगों ने अभी तक निरहुआ का शेरे हिंदुस्तान का ट्रेलर नहीं देखा है, तो आप वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड भोजपुरी का ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर जाकर शेरे हिंदुस्तान का ट्रेलर जरूर देखा। और जिन लोगों ने ट्रेलर देखा है, वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको निरहुआ का बिल्कुल एक्शन पैक और देशभक्ति अंदाज का ट्रेलर कैसा लगा।